तो आप देख रहे हैं बोगनविलिया का पौधा है, और बोगनविलिया के पौधे पे कुछ लोग क्वेरी कर रहे थे कि हमारे पत्ता पूरा बिल्कुल ये झड़ चुका है। दोस्तों ये इसका नेचर है, पत्ता है इसका झड़ता है, और झड़ने के बाद इसमें फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो पत्ता फिर से वापस आ जाता है। आप देख सकते हैं, देखिए आपके सामने जो ये पौधा है, इस पौधे पे बिल्कुल पूरे पत्ते एकदम झड़ चुके थे, एक भी पत्ते इस पे नहीं थे। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा फर्टिलाइजर का यूज किया, और फर्टिलाइजर मैंने बहुत केवल सिंपल फर्टिलाइजर यूज किया, और यूज करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने पूरे अच्छे तरीके से इसमें पत्ते आ चुके हैं। अब धीरे धीरे इसमें फ्लावर भी आएंगे, और दोस्तों इसमें कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना है और इसकी कैसे केयर करना है, दोस्तों वीडियो में बने रहिए, मैं वीडियो में आपको बहुत कुछ चीज़ें इसमें बताएंगे क्या क्या चीज़ें इसमें यूज करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बताएं आपको कि अगर आप बोगनविलिया का पौधा अपने गार्डन में नहीं लगाए हैं तो ये इस समय बहुत बिल्कुल उपयुक्त है कटिंग से लगाने का। दोस्तों करना कुछ नहीं है, और कटिंग बहुत सिंपल लगती है, आप देख रहे हैं इस तरीके, बस केवल पेंसिल आकार की मोटी आप ले लीजिए कलम, और उसके बाद दोस्तों इसको रेत में लगा दीजिए। आप देख रहे हैं इस तरीके से, अब इसको यहाँ से कट करिए, और कट करने के बाद देखिए एक कटिंग यहाँ से आपकी बन के हो जाएगी तैयार। देखिए इस तरीके से अब एक कटिंग आप चाहेंगे तो बना लेंगे, इसको भी यहाँ से निकाल दीजिए। अब इसको रूटिंग हार्मोन लगाइए, और रूटिंग हार्मोन लगाने के बाद करना क्या, आप ये देख रहे हैं रेत, ऐसे में यहाँ दोस्तों बहुत ही कटिंग ग्रो हो जाती है बहुत अच्छे तरीके से, कुछ करना नहीं होता, बस आपको ध्यान यही देना होता है कि जब कटिंग आप इसमें लगा दें, सपोज करिए कि आप कटिंग इसमें लगा दिए, अब कटिंग जब इसमें आप लगा देते हैं तो लगाने के बाद आपको एक केयर यही करना पड़ता है कि ये कटिंग हिलने ना पाए। दोस्तों अगर कटिंग हिल जाए होते क्या, कहीं आप रख देते हैं तो आप गार्डन में बिल्ली उल्ली होती है तो इसको हिला देती है, या आप पानी देते हैं पाइप के माध्यम से तो हिल जाता है। अगर दोस्तों कटिंग ये हिल जाएगी तो जर्मिनेट ये नहीं हो पाएगी, आपको ध्यान रहे। और इस समय दोस्तों बहुत उपयुक्त समय है, आप इस कटिंग को आप लगा लीजिए। आपको हम दिखा देंगे, देखिए हम कटिंग से ग्रो किए हुए हैं, और देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये कटिंग ये ग्रो हो रही है, आप देख सकते हैं। तो इस समय आप कटिंग से इसको तैयार कर सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि जो पौधे में पत्तियां झड़ गई है उसमें कौन सा फर्टिलाइजर आपको देना है। तो जो इसमें हमने जो फर्टिलाइजर का यूज़ किया हुआ था, तो दोस्तों मात्र केवल सिंपल फर्टिलाइजर आप यूज करिए, बहुत विशेष फर्टिलाइजर में यूज आपको नहीं करना है। जैसे देखिए बर्मी कंपोस्ट और नीम खली है, दोनों को मिलाइए, और दोनों को मिलाने के बाद इसमें यूज कर दीजिए। बस आपको ध्यान यही देना है कि अगर इतना सा बड़ा सा पौधा आपके पास है तो कम से कम 200 से 300 बर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, या सड़ी हुई गोबर की खाद आप भी ले सकते हैं, या हो सके तो आप लीप कंपोस्ट हो या किचन कंपोस्ट है तो कुछ भी ले सकते हैं बर्मी कंपोस्ट के अलावा। उसमें थोड़ी सी नीम खली मिलाइए, और नीम खली मिलाने के बाद अच्छे से पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करिए, और गुड़ाई करने के बाद दोस्तों करना क्या है, इसमें आप दे दीजिए। बस इस तरीके से अगर ये काम करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से पौधा आपका ग्रो कर जाएगा। दोस्तों हम आपको बताएं कि इसमें बहुत कुछ ज़्यादा फर्टिलाइजर देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस थोड़ी सी आपको केयर करना है इसके पानी का और धूप का, तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये इसमें फ्लावर आते हैं। और एक बात आपको बता दें कि बोगनविलिया का जो पौधा होता है स्प्रूनिंग बहुत ये पसंद करता है, इसकी स्प्रूनिंग जितना आप करेंगे उतना बेहतरीन दोस्तों ये बूसी होता चला जाएगा, और इसमें पत्तियां भी आएंगी। और इसकी स्प्रूनिंग में एक बात है, इसका जो टिप होता है, जैसे ये देखिए, अब ये आप देखिए ऊपरी सतह का ये है जो इसका, अगर ये टिप होता है इसको यहाँ से कट करेंगे, आप इसको कट करेंगे दोस्तों, अब इसको यहाँ से कट कर दिए तो इसमें और देखेंगे और यहाँ से ब्रांचें निकलना ये शुरू हो जाएंगे। खासतौर से बोगनविलिया इसी बहुत पसंद करता है, जितने इसके टिप हैं सभी टिप को आप कट कर दीजिए। कब कट करिए, जब ये इसके पत्ते पूरे इसमें से झड़ जाते हैं तब आपको ये कट करना है, और उसके बाद देखेंगे, और ये बर्मी कंपोस्ट और नीम खली यूज कर दीजिए, और यूज करने के बाद इसमें दे दीजिए पानी, और ये कम से कम एक सप्ताह बाद इस तरीके से आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन इसमें से पत्ते आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों ये तो बात होगी जो पत्ते झड़ जाते हैं उसके लिए। उसके बाद अगर आप चाहते हैं इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लावर इसमें आए, तो हम आपको बता दें कि एक फर्टिलाइजर है जो आप इसे इसमें देख सकते हैं, इस पौधे में देखिए, आप देखिए इस पौधे में आप चाहें तो पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर इसमें यूज कर सकते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस और पोटेशियम, इसको बहुत सख्त ज़रूरत है इस टाइम। तो उसके लिए भी हम आपको बताएं कि उसके लिए भी ऑर्गेनिक एक फर्टिलाइजर है बहुत ही बेहतरीन, सरसों की खली और DAP के साथ मैंने मिक्स करके बनाया हुआ, तो DAP की मात्रा मैंने बहुत हल्का सा उसमें यूज किया हुआ है, उस फर्टिलाइजर को अगर इसमें यूज करते हैं, आई बटन पे लिंक है आप जाके देख सकते हैं, अगर उस फर्टिलाइजर को इसमें यूज करते हैं तो हमको देखें बहुत ज़्यादा पत्तों से ज़्यादा इसमें फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे, वो बहुत ही बेहतरीन दोस्तों इसमें फर्टिलाइजर का काम करता है वो जो सरसों की खली है, क्योंकि सरसों की खली
बोगनविलिया के पौधे पे आप यूज करते होंगे तो रिस्पांस जानते होंगे, बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइजर है। और उसके बाद दोस्तों अगर वो नहीं फर्टिलाइजर आप बना पा रहे हैं तो अगर आपके पास ये है देख रहे हैं ये बर्मी कंपोस्ट नीम खली मैंने ले रखा है, तो इसमें आपको एक चीज़ ऐड कर लीजिए, क्योंकि अगर पोटेशियम इसमें ऐड कर लेंगे तो ये भी फर्टिलाइजर बहुत अच्छा बन जाएगा। जैसे आप ये देख रहे हैं ये मैंने केले के छिलके का पाउडर ले रखा है, और दोस्तों केले के छिलके का पाउडर आप इस समय धूप बहुत ज़्यादा हो रही है बट थोड़ी सी आपको ध्यान ही देना है कि शेडी एरिया में कोई जो इसका छिलका है छिलके को सुखाइए, इसको डायरेक्ट धूप में ना सुखाइए, डायरेक्ट धूप में सुखाएंगे और यूज करेंगे तो रिस्पांस आपको अच्छा नहीं मिलेगा। इसमें हम एक चम्मच इसमें ले लेते हैं, देखिए एक चम्मच इसमें ले लीजिए, एक एक या दो चम्मच भी ले सकते हैं, ये नुकसान नहीं करेगा फ़ायदा ही फ़ायदा करेगा। और उसके बाद इसमें मिक्स कर दीजिए, देखिए इसको मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करने के बाद इसकी मिट्टी की अच्छे से करिए गुड़ाई, और गुड़ाई करने के बाद इसमें आप दे दीजिए खाद को, और उसके बाद दे दीजिए इसमें पानी को। अब दोस्तों खाद को करना क्या, हल्का हल्का इस तरीके से दे के फिर दोबारा आप गुड़ाई कर दीजिए। और ये जो फर्टिलाइजर है देने के बाद आप एक सप्ताह बाद या 10 दिन बाद इसका रिजल्ट देखेंगे, बहुत ही अच्छा ये काम करेगा। अब इसकी दोबारा हम गुड़ाई कर दें, और दोबारा गुड़ाई करने के बाद इसमें आप दे दीजिए पानी। दोस्तों मैं बता दूं कि इसमें जो सनलाइट की जो ज़रूरत पड़ती है कम से कम 5 से 6 घंटे सनलाइट की बहुत ज़रूरी है, अगर 8 घंटे भी मिलता है तो बहुत बेस्ट है, अगर इस दोस्तों 5 से 6 घंटे से अगर कम मिलेगा तो इसमें फ्लावर बिल्कुल नहीं आएंगे। और दूसरी चीज़ जब इसमें पानी का यूज करते हैं तो पानी का भी यूज करने का इसमें आपको ध्यान देना है। दोस्तों अगर ज़्यादा पानी अगर बोगनविलिया के पौधे में यूज करेंगे तो फ्लावर बिल्कुल नहीं आएगा, अब हमेशा परेशान रहेंगे कि हमारे बोगनविलिया के पौधे में क्या हो रहा है। अब ज़्यादा पानी का इसमें यूज नहीं करना है, पानी का यूज इसमें कब करिए कि जब 1 से 2 इंच कम से कम ध्यान दे रहे 2 इंच तक मिट्टी पूरी ड्राई हो जाए, जब 2 इंच तक मिट्टी ड्राई हो जाए आप इसे हल्की सी गुड़ाई करके चेक कर लीजिए, उसके बाद इसमें भरपूर पानी आप दे दीजिए, और महीने में 2 बार कम से कम इसकी मिट्टी की इसकी आप गुड़ाई करिए, ताकि दोस्तों ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो, तो ताकि जो रूट है रूट का इसका डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो। दोस्तों उसके बाद इस पर जो डिजीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें डिजीज बहुत नहीं लगते हैं, आप कभी कभी महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार इस पर नीम ऑयल का छिड़काव कर दिया करिए, उसके बाद आपका जो बोगनविलिया का पौधा है बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपनी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर दीजिएगा। अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पेज पे तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, धन्यवाद।